नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। मसूरी में भाजपा नेता ज्योत सिंह विष्ट ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस में परिवारवाद है हावी। मसूरी पहुंचे भाजपा नेता ज्योत सिंह विष्ट ने कहा कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का है और इस बार 400 पार के नारे के साथ एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से 2 महीने पहले ही अपने चुनाव प्रबंधन समिति बनाकर सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रक्रिया के लिए तैयार किया गया था। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा अभी तक अपने चुनाव प्रबंधन समिति तक नहीं बना पाई है। वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची भी अभी तक नहीं बन पाई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्रपुर में विशाल रैली संबोधित कर विजय रैली का आगाज कर दिया है। रैली के दौरान उन्होंने अपने पिछले 10 साल की सरकार की उपलब्धि को गिनवाने का काम किया व उत्तराखंड में व्यक्तिगत लाभार्थियों का संख्या का उल्लेख करके लोगों को उनकी सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को मिल रहे लाभ के बारे में बताने का काम किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो आरोप सरकार और भाजपा पर लगा रहा है, उन आरोपों में कोई सत्यता नहीं है। भाजपा अपने काम के दम पर 2024 के चुनाव में है और जनता को वह सभी कामों को गिनवाकर लोगों से वोट मांग रही है। उन्होंने कहा विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है। वह कांग्रेस के कई बड़े नेता भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। स्वयं गौरव बल्लभ द्वारा बीजेपी की सदस्यता ली गई है और उन्होंने स्वयं बताया कि वे सनातन विरोधी काम नहीं कर सकते हैं और ऐसे में कांग्रेस सनातन धर्म के खिलाफ काम कर रही है और यही कारण है कि कांग्रेस के नेता राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठित के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के परिवारवाद हावी है, कांग्रेस के नेताओं को अपने और अपने परिवार के अलावा कोई नहीं दिखाई देता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चुनाव की अधिसूचना जारी होने से तकरीबन 2 महीने पहले से चुनाव प्रबंधन समितियां बनाने से लेकर के उनके अधीन उप समितियां प्रदेश स्तर पर, लोकसभा स्तर पर और विधानसभा स्तर पर बना करके उनको फील्ड में उतार करके उनके कामों की मॉनिटरिंग समय समय पर बैठके करके उन टीम में जो जुड़े हुए लोग उनको निर्देश देने का काम किया और प्रचार सामग्री जो है कि प्रत्येक बूथ तक पहुंच गई, तो ये भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारी के सामने कांग्रेस 5% भी नहीं दिखाई दे रही है। अभी उनकी चुनाव प्रबंधन कमेटी नहीं बनी, उनका जो मीडिया कमेटी थी उस पर लगातार विवाद चल रहे हैं और उसके साथ साथ जो स्टार प्रचारकों की सूची है वो भी अभी तक नहीं बन पाई, जबकि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रुद्रपुर में जो रैली की, वो जो विजय सभा जैसी रैली थी, उसमें जिस तरह से उन्होंने पिछले 10 साल में अपनी सरकार की उपलब्धियों के साथ उत्तराखंड में उनकी सरकार के द्वारा जो व्यक्तिगत लाभार्थी है उनकी संख्या का उल्लेख करके लोगों को बताने का काम किया कि जो लोग विपक्ष के रूप में हम पर आरोप लगा रहे हैं उनके आरोप में कोई दम नहीं है, हमने काम किया, हम अपने काम के दम पर वोट मांग रहे हैं और उसका परिणाम है कि हमारा लक्ष्य इस समय है कि 5 लाख से अधिक मतों से प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में जीत हासिल करना। मैं मोदी जी ने जो काम किए हैं, धामी जी ने जो काम किए हैं राज्य के अंदर, जिस तरह की उन्होंने जिजीविषा दिखाई है, जिस तरह से उन्होंने दम दिखाया है, तो उससे भी लोग बहुत प्रभावित हैं। राज्य के अंदर जो कानून धर्मांतरण को रोकने के लिए बनाया, जो नकल रोकने के लिए बनाया, जो दंगारोधी कानून बनाया, जो यहाँ पर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बनाया, वो अपने आप में एक उदाहरण है। हमारा राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू करके देश में पहला राज्य बन गया है। मोदी जी ने धारा 370 खत्म करने के साथ जो राम मंदिर के निर्माण में उनका योगदान है वो कोई भुला नहीं सकता और उसके बाद जिस तरह का वातावरण बना है CAA लागू करके, तो अब देश के अंदर लोगों को समझ आ गया है कि देश केवल मोदी जी का आत्म सुरक्षित है, इसलिए वो तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और उसके लिए वो टिहरी में माला राज्य लक्ष्मी शाह को, तो पौड़ी में अनिल बलूनी जी को, अल्मोड़ा में अजय टमटा जी को, नैनीताल में अजय भट्ट जी को और हरिद्वार में वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भारी मतों से जिताने वाले हैं। गौरव बल्लभ को किसने डराया? गौरव बल्लभ ने तो खुद कहा कि मैं सनातन के विरोध में नारे सुन सकता हूं, उन्हें लगा सकता हूं, तो इसका मतलब कांग्रेस में जो लोग हैं वो सनातन धर्म के खिलाफ हैं, इसीलिए उन्होंने राम मंदिर की जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा थी भगवान राम की मूर्ति की, उसमें जाने से मना कर दिया। तो ये जो लोग हैं ये अपनी कमियों को अपने गिरेबान में झांकने के बजाय कि उनके यहाँ से लोग छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं उस पर बात करने के बजाय, अगर वो कहते हैं कि भाजपा डरा रही है, तो इससे ज़्यादा नासमझी कुछ नहीं हो सकती है।
कांग्रेस के नेता, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे परिवार स्तर पर हो, वो परिवारवाद से इतने ग्रस्त हो गए हैं कि वो अपने अपने परिवार के अलावा उनको दूसरा कोई दिखाई नहीं देता है, दूसरे के लिए वो जगह छोड़ नहीं रहे हैं। और जब दूसरे लोगों को दिखाई दे रहा है कि भाई सब कुछ इनका, इनके परिवार का, इनके परिवार के सदस्यों का, इनके नाते रिश्तेदारों का है, तो वो फिर कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में अपने लिए जगह खोजने का काम कर रहे हैं।